हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारिका। सो आज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मस्ट हैव प्रोडक्ट्स फॉर फेस्टिवल सीज़न। फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है, लाइन से एक एक करके सारे फेस्टिवल आ गए हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बाय करिए जो कि एक ही बार में फटाफट आपका सारा काम कर जाए, यानी आपको सही प्राइस में बेस्ट क्वालिटी मिले। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ब्लश, और यह है कीरो का। यह है कीरो का ग्लो ऑन ब्लश ड्यूओ। जो खास बात है इस ब्रांड की कि ये वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ये जो मेकअप है स्किन केयर इन्फ्यूज्ड है, यानी इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन का भी ख्याल रखते हैं। इसमें इन्फ्यूज है कैलेंडुला ऑयल जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये आपको इरिटेशन से बचाता है, यानी इसको यूज करने पर आपको कोई इरिटेशन नहीं होती है। प्लस इसमें रोसिप ऑयल भी है जो कि आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो आपका जो ब्लश है वो कुछ ऐसा दिखता है। इन ब्लशेस की मुझे बेस्ट चीज़ लगती है इसकी कलर स्टोरी। मतलब नॉर्मली डुओ ब्लश में हमेशा जो ब्लशेस होते हैं वो सिमिलर शेड के होते हैं, एक शेड लाइट एक शेड डार्क, पर यहाँ पे जो अंडरटोन है वो भी डिफरेंट होता है। और शेड ऐसे है कि आपको फ्लश ऑफ कलर चाहिए तो आपको वैसा शेड यहाँ पे मिल जाएगा, और आप थोड़ा सटल और डीप कलर चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो एक तरीके से आप सारा काम कर सकते हैं, इवन आप इन्हें आई शेडो के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इनके फॉर्मूले के बारे में कहूँ तो बहुत ही स्मूथ पाउडरी फॉर्मूला है, जैसे अप्लाई करते एकदम ब्लेंडेड फॉर्म में अप्लाई होता है, बिल्कुल भी हार्श नहीं दिखता। इनका जो पिगमेंटेशन है आप बिल्डअप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये ओवर पिगमेंटेड नहीं कि आपने एक बार थोड़ा सा ये अप्लाई किया फिर यू नो ज़्यादा लग गया कम लग गया, आप अपने हिसाब से इन्हें बिल्डअप कर सकते हैं। पर हाँ, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये ब्लेंड होता है, एकदम स्किन में ब्लेंड हो जाता है, ऐसा ब्लश है। आपको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ता, जो कि बेस्ट चीज़ है। अगर आप बिगनर हैं, आपको यू नो ब्लश हमेशा आपसे ज़्यादा हो जाता है, आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप इन्हें ट्राई करिए, बहुत आसान तरीके से अप्लाई होता है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है फाउंडेशन, और आजकल बहुत सारे फाउंडेशन आ गए, पर मैं ऐसा दूंगी जो कि आप तुरंत जिसके साथ वर्कआउट कर सकें। मैं यहाँ कहूँगी आप फेसेस कैनेडा का 3-in-1 फाउंडेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन और फाउंडेशन तीनों का काम करता है, यानी ये हाइड्रेटिंग है, आपको कवरेज भी देगा और आपकी स्किन को ड्राई आउट भी नहीं करेगा, जो कि बेस्ट चीज़ है। मतलब आपको ज़्यादा स्किन केयर भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप कहीं भी कैसे भी अगर आपके पास टाइम नहीं है आप तुरंत इसको यूज़ करके अपना मेकअप कर सकते हैं। जो इसका फॉर्मूला भी काफ़ी लाइट वेट टाइप का है, थिन कंसिस्टेंसी का है, शेयर टू मीडियम कवरेज है, जैसे कि आजकल चल रहा है। मतलब आप इवन फिंगर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी टाइप का आपका फाउंडेशन है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा फेवरेट, वो है कंसीलर्स। तो ऑब्वियस है कि कंसीलर के बिना कोई मेकअप पूरा नहीं हो सकता, अगर आपको लाइक कुछ कवर करना है या स्पॉट पिगमेंटेशन, इवन आजकल तो लाइक फाउंडेशन की ज़रूरत भी नहीं है, आप कंसीलर से ही अपना पूरा मेकअप कर लीजिए, वो ज़्यादा लॉन्ग स्टे करता है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली अपने मोस्ट फेवरेट, यानी वो कंसीलर जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आज भी किया है, मतलब हर वीडियो में मैं उन्हें यूज़ करती हूँ, मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो जो सबसे पहला फाउंडेशन है, आई नो एक्सपेंसिव है पर वर्थ है एवरी सिंगल पेनी, ये है आपका टू फेस का बॉर्न दिस वे। तो ये लाइक हाइड्रेटिंग मैट फाउंडेशन है, नेचुरल मैट फाउंडेशन है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता और ऑलमोस्ट फुल कवरेज है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कोई भी स्किन टाइप है आप अप्लाई कर सकते हैं, ना ही ये आपको ऑयली करता है ना ही ये आपको ड्राई करता है, और इसमें इतने सारे शेड आते हैं, आपको जैसा शेड आप मतलब आपको पक्का अपना शेड मिल जाएगा, ये श्योर है। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पास डार्क शेड है और एक लाइटर शेड है, तो मैं उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके अपना मेकअप कर लेती हूँ। तो ये जो शेड है ये है मेरा वार्म सैंड, जिससे कि मैं अपने डार्क सर्कल्स हाइड करती हूँ, मतलब अपने फेस को करेक्ट करती हूँ। तो हाँ, इवन आप इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मतलब मोस्ट फेवरेट। अगर आप यू नो एक अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे, क्योंकि अब सेल वेल भी चलेगी, तो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसको ज़रूर लीजिए, लाइक हमेशा ये मेरा टॉप फेवरेट रहेगा। जो नेक्स्ट है वो भी एक्चुअली कंसीलर है, क्योंकि मैंने कहा मैं सारे कंसीलर आपको दिखा रही हूँ। जो नेक्स्ट है वो आपको पता ही है, सुस ब्यूटी का कंसीलर है। मुझे सुस ब्यूटी के इवन जो पेन है और ये वाले दोनों ही पसंद है, लाइक दोनों ही ज़रूरी हैं। ये जो शेड 03 है ये मेरा शेड है, मेरे स्किन टोन का शेड है, तो इवन ये मेरे अंडर आई एरिया को भी कंसील करता है, मेरे फेस को भी जहाँ जहाँ स्पॉट पिगमेंटेशन कंसील करता है, तो ये शेड परफेक्ट मैच है।
जो लास्ट कंसीलर है वो है ये निक्स का कांस्टॉप वोस्टॉप, और आप कह सकते हैं ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस टास्क उसको हाइड करने का। अगर ये नहीं होगा तो मैं ऐसे हाइड नहीं कर पाऊंगी। ये एक्चुअली मेरे लिए ब्राइटनर का काम करता है। मैं हमेशा जब भी अपने टास्क हाइड करती हूँ इसे इनर कॉर्नर पर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये फुल कवरेज है और बहुत बहुत कम क्रीज होता है। तो जैसे मैं अप्लाई करती हूँ मेरा जो इनर कॉर्नर है एकदम ब्राइटन अप हो जाता है, तो उससे पूरा लुक चेंज हो जाता है। मतलब आप अगर अपने डार्क सर्कल्स हाइड भी करते हैं, अगर आप ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं करेंगे खासकर इस कॉर्नर पे, तो वो बात नहीं आती है। तो यहाँ पे जो शेड है वो है नेचुरल, जो कि परफेक्टली सूट होता है। ये लाइक 1-2 शेड लाइटर मेरे स्किन टोन से, मैंने इसी को अप्लाई किया है, लेकिन फिर भी पूरे फेस के साथ आप देख सकते हैं कि ये मर्ज हो रहा है एक तरीके से। आप ये मेरे नेक से मिल रहा है, मेरे शोल्डर से मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरी स्किन टोन का ही है, पर डार्क सर्कल्स इतने डार्क है कि उनके कंपैरिजन तो ये लाइटर शेड है। तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और मैं आपको भी कहूँगी अगर आप डार्क सर्कल्स हाइड करते हैं तो हमेशा एक लाइटर जो शेड है वो भी फुल कवरेज वाला, उसे इनर कॉर्नर पर ज़रूर अप्लाई करिए। उससे पूरा यू नो लुक चेंज हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी करेंगे ये इनर कॉर्नर हमेशा डार्क दिखते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अगेन कीरो का। ये है कीरो का प्रिज्म परफेक्ट हाइलाइटर, एंड अगेन ये डुओ हाइलाइटर है। मतलब इसमें आपको दो शेड मिल रहे हैं, जो कि बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हाइलाइटर भी जितना ज़्यादा मिल सके उतना ज़्यादा बेटर है। तो अगेन ये भी स्किन केयर आपका इन्फ्यूज्ड मेकअप है। इसमें भी रोज हिप ऑयल और कैलेंडुला ऑयल है, और अंदर से आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे एक गोल्डनिश टाइप का शेड है, दूसरा जो है ब्रॉन्जी टाइप का शेड है। ये हाइलाइटर है, वैसे आप जो ब्रॉन्जी वाला आप चाहें तो वो आप एज अ ब्रॉन्जर यूज कर सकते हैं, पर हाँ ये लाइक शिमर वाले हैं तो शाइन देगा। ये जो हाइलाइटर है ये आपको इंटेंस शाइन देता है, लाइक सीरियसली इंटेंस शाइन आप देख सकते हैं। बल्कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटर है, लेकिन अगर आपको लाइक प्रॉपर ग्लो ग्लो वाला हाईलाइटर चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और आप जैसे चाहें वैसे इसको बिल्डअप कर सकते हैं। ये आपको हाई इंटेंसिटी लाइक दिस हैवी ग्लो भी देगा और आपको सटल ग्लो भी देगा, जैसा आपको सही लगे। मैंने इसी को अप्लाई किया है, इस साइड आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट तरीके से अप्लाई हुआ है, और इधर मैंने थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किया तो एकदम ही ग्लो कर रहा है, और बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बिल्कुल भी ग्लिटरी नहीं है। जैसे आप अप्लाई करते हैं बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। ये ज़रूर मैं कहूँगी जो कीरो के पाउडर प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मूला सच में अमेजिंग है। मतलब आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं, ये ब्लेंडेड मोड में ही ब्लेंड होते हैं, तो एकदम स्किन का पार्ट बन जाते हैं, ऐसा अलग से हार्श लाइन जो होती है ना वो चीज़ नहीं दिखती है। एंड ऑल्सो ये जो हाईलाइटर का शेड है वो ऐसा है जो कि परफेक्टली सूट करेगा इंडियन स्किन टोन को, तो फेस्टिवल सीजन के लिए बेस्ट है, लाइक बेस्ट। तो आप इसको पक्का ट्राई करिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंटेंस शाइन है। ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव जो हाइलाइटर है ना उनको टक्कर देने वाला हाइलाइटर है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है और ये मैंने रिसेंटली बाय किया लेकिन अमेजिंग है, ये है स्मैश बॉस का 8-in-1 प्राइमर। तो ये ऐसा प्राइमर है जो कि आपके 8 काम करता है, और 8-in-1 प्रोडक्ट है। यहाँ पे तो मैंने इसका मिनी वाला लिया है और मैं इसको आजकल यूज़ कर रही हूँ, और सच में अमेजिंग है। ये आपके फेस को रिफ्रेश भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, प्राइम भी करता है, सेट भी करता है, मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें करता है। इससे पहले मैं स्मैश बॉस का प्राइमर वाटर यूज़ करती थी, मुझे नहीं पता वो आता है कि नहीं, क्योंकि मैं मिनी साइज लेती थी और मुझे वो दोबारा नहीं मिला, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, और ये सच में अमेजिंग है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप अपने पर्स में लेके घूमिए, मतलब आपको कभी भी कुछ भी चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम कर देता है आपके। आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, आपको अगर अपना फेस डल लग रहा है तो आप इसको स्प्रे करिए, आपका जो फेस है वो वापस थोड़ा ब्राइटन अप लिफ्टेड अप लगेगा। तो ये 8-in-1 प्राइमर इवन आपके 6 काम भी करेगा तो भी बेस्ट है। जो प्रीवियस वाला था वो 3-in-1 था, तो उसके कंपैरिजन तो ये लाइक काफ़ी सही है, और अगर आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करिए। इवन मिनी साइज आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। मुझे सच में इस मैश बॉक्स के प्राइमर बहुत ही ज़्यादा हैंडी लगते हैं, क्योंकि जब भी इस लाइक मुझे मेकअप करना होता है तो कौन सा लगाऊं क्या लगाऊं, उससे बेटर है कि चुपचाप स्प्रे लिया, फटाफट स्प्रे किया, 1 सेकेंड रुके और हो गया ख़त्म प्राइमर का काम। तो मैं जब भी रील बनाती हूँ मैं हमेशा स्मैश वॉश का ही प्राइमर यूज़ करती थी, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया और मैंने अब इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जो नेक्स्ट है वो है स्किन केयर, और ये मेरा फेवरेट स्किन केयर है, क्योंकि मैं इसे लाइक एवरी डे अब यूज़ कर रही हूँ, और
लाइक अमेजिंग है ये है एस एम पी प्रेप का विटरॉनिक जेल क्रीम। ये विटामिन सी जेल मॉइस्चराइज़र है, जी हाँ जेल मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई होता है, बहुत हाइड्रेशन देता है। ये जो है ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपके स्किन को इवन आउट करता है और यू नो लाइक नेचुरल ग्लो लाता है। तो ये मुझे सच में पसंद आ रहा है, ये लाइक मेरा बेस्ट विटामिन सी क्रीम होगा, मैंने जितने भी आज तक यूज़ किए उनमें से बेस्ट होगा। जब अप्लाई करती हूँ तो एक फील सा आता है कि हाँ लाइक विटामिन सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। एक सिट्रिक सी इसमें फ्रेगनेंस आती है, बहुत ही तेज़ नहीं है, बहुत ही माइल्ड है, लेकिन आती है और मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे मैं अप्लाई करती हूँ तुरंत स्किन में अप्लाई हो जाता है, एकदम जेल लाइक है, स्किन हाइड्रेट रहती है, स्किन का जो इवन टेक्सचर है, जो सॉफ्टनेस है, मतलब पता चलता है स्किन में जो इफेक्ट है इस क्रीम का वो मुझे पता चलता है। तो मुझे सच में पसंद आए बहुत ही ज़्यादा। अगर आप भी एक अच्छी विटामिन सी मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि वैसे भी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, हर किसी को अपनी स्किन को बेटर करना है, किसी न किसी को ग्लो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, और विटामिन सी इज़ लाइक बेस्ट चीज़ है। तो अगर आप इसको ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। वैसे भी एस एन पी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और मुझे ये सच में पसंद आए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कितनी बची है, मैंने बहुत सारे यूज़ कर लिए। जो नेक्स्ट है वो है लिपस्टिक, और मेरे पास यहाँ पर ये कीरो की लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, और इसका फॉर्मूला सीरियसली अमेजिंग है। ये है नॉन स्टॉप एरी मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये बहुत ही लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, आपके लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट करती है, इंटेंस पिगमेंटेशन एक ही बार में आपको अच्छा खासा पिगमेंटेशन देती है, लॉन्ग स्टेइंग पावर है इसकी, और आपको बिल्कुल भी लिप्स पे ड्राइनेस और अनकम्फर्ट फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लिपस्टिक है। इसमें इन्फ्यूज़ है एप्रिकॉट ऑयल जो कि आपके लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट करता है, और इसमें है एवोकाडो ऑयल जो कि आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करता है और रिपेयर करता है। यहाँ पे मेरे पास जो शेड है वो है सैंडी रोज, मैंने इसी को वेयर करके रखा है, और मेरे पास इस 3 से 4 शेड है, मैं लाइक एक एक करके खरीदती रहती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है इसका फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, हाइड्रेटिंग है, ऑसम पिगमेंटेशन है, और प्लस जो कम्फर्ट लेवल फील होता है वो बहुत अच्छा है इसके साथ। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो रिसेंटली लिया था, वो है ये प्लम का परफ्यूम, ये है इसका ट्रिपिंग मिमोसास। वैसे मुझे हवाइन रूम्बा ट्राई करना था पर मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसे बाय किया, बट सीरियसली लाइक बेस्ट परचेज थी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें लाइक सिट्रिक स्मेल है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, ऐसा है कि मैं आप डे में भी वेयर कर सकते हो, आप नाइट में भी, और फ्रेगनेंस ऐसी नहीं कि मैंने जैसे कि आप आती रहती है मतलब दूसरे परफ्यूम से, थोड़ी यूनिक सी है जो कि अच्छा लगता है, एक रिफ्रेशमेंट सा लगता है कि कुछ अलग सा लगाया है, और मुझे ऐसी सिट्रिक रिफ्रेशिंग स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें आपके सिट्रेसी नोट हैं ऑरेंज और ग्रेपफ्रूट के, और साथ ही साथ कुछ फ्लोरल स्मेल भी है, पर बिलीव मी इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। वैसे हवाइन रूम्बा ट्राई करना है पर मेरे लिए लाइक दिस इज़ बेस्ट, और मैं इसको पर्स में लेके घूमती हूँ क्योंकि इतना अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी फ्रेगनेंस आती रहती है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो रिसेंटली आया था, उसे यूज़ करके मैं टोटली शॉक हो गई थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये है पैक के लेंस, ये है पैक का आयरिस लक्स कॉन्टैक्ट लेंसेस, ये कुछ 800 या 700 के प्राइस रेंज में आते हैं। पैक के जो पहले लेंसेस आते थे वो काफ़ी अफोर्डेबल थे, आप सिंगल वाला भी उठा सकते हो, लाइक 200 रुपीज़ का आता था, मतलब वैसे मुझे 1 मंथ के लेंसेस का रेट नहीं याद है, पर ये जो लेंसेस हैं ये आपके 1 मंथ वाले, यानी आप 1 महीने के बाद आपके एक्सपायर हो जाते हैं, और उस 1 महीने में आप जितना चाहे उतना रीयूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास इसका प्यार आया था तो मैंने ट्राई किया। मैं हमेशा ओलेंस के लेंसेज यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मैं उनको वेयर करके बैठ सकती हूँ, और पैक के मैं बहुत स्टार्टिंग में यूज़ करती थी पर मैंने यूज़ करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था आइस में, मेरी आइस रेड हो जाती थी, बहुत पेन होता था, तो मैंने छोड़ दिया। इवन वो अभी भी मेरे पास रखे, मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक रखा है पर मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो जब पैक का आया तो मुझे लगा फिर से ऐसा ही कुछ होगा, कल लगा के देख लेते हैं, बट शॉकिंग चीज़, इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब ओलेंस से भी ज़्यादा, और ये लाइक 1 सेकंड में मुझसे लग गया, मतलब लेंस लगने में भी हालत ख़राब हो जाती, कभी कभी तो एक आई में लग गया दूसरी आईज में लग ही नहीं रहा है, पर ये लाइक इतनी जल्दी लग गया, मुझे लगा इसे मैंने रिकॉर्ड टाइम बना दिया हो लेंस लगाने में, इतना स्पीड में कभी लेंस नहीं लगा, और इतना कम्फर्टेबल है,
आइस में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं, लगा ही नहीं कि मैंने लेंस वेयर किया, चाहे इतनी देर भी हो गई, कहीं भी थोड़ा भी इरिटेशन फील नहीं हुआ मुझे। जो लेंस का कलर है, फिटिंग है, सब अमेजिंग था। नहीं तो अक्सर होता है लेंस लगाओ फिर हटाओ लगाओ, क्योंकि ठीक से फिट भी नहीं आते, ऐसा होता है, पर ये बहुत ही अच्छा था। अगर आपको लेंस पहनना पसंद है या आप कुछ अच्छा कंफर्टेबल ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें काफ़ी अच्छे शेड हैं, मेरे पास जो शेड है वो है मूनस्टोन। सो मेरे हिसाब से आपको भी ट्राई करना चाहिए अगर आपको लेंस पसंद है वेयर करना। ये सच में शॉकिंगली अमेजिंग है, सीरियसली अमेजिंग है। मतलब ओलेंस के तो बहुत महंगे आते हैं, ये तो उससे थोड़ा कम ही प्राइस में आपको मिल रहा है। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग टाइम आने वाला है, इसमें लेंस बहुत से लोग लगाते हैं, वो लेंस वैसे भी आपका पूरा लुक चेंज कर देता है। इवन अगर आप मेकअप करो ना करो, आप लेंस वेयर कर लोगे तो आप पूरे ही डिफरेंट इंसान लगोगे, इतना पक्का है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।